हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा पवार आपके लिए ना एक बहुत अच्छी ब्लैक हेयर डाई लेके आई हूँ। उसमें मैं जो हर्ब यूज़ करूँगी आज, वो आपके बालों को हर तरीके से बहुत इफेक्टिव करेंगे। उसमें जो हर्ब भी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो आपके बालों को झड़ने से भी बचाएंगे, बालों को कलर भी देंगे। साथ साथ जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें जो हर्ब यूज़ कर रही हूँ वो बालों के लिए बहुत अच्छी है। बालों की ग्रोथ आपकी डबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो बालों की ग्रोथ को बहुत फास्ट करेंगे। इसलिए तो उसमें मुझे क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें मैं इस्तेमाल करूंगी कलौंजी। कलौंजी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों को काला करने के साथ साथ ये बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी करती है। बालों में इन्फेक्शनों से दूर करेगी और डेफिनेटली ग्रोथ तो आपकी डबल कर देगी, क्योंकि इसमें कलौंजी जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। और इस्तेमाल करूँगी इसमें रतन जोश का पाउडर। रतन जोश बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, बालों को कलर देने का काम करता है। और इसमें ना बहुत ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, क्योंकि या तो रतन जोश एक तरीके से पेड़ की छाल होती है। इसमें बहुत ही एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण होते हैं, जो बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और इसमें इस्तेमाल करूँगी मैं जीरा। जीरा बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेगा, साथ साथ जो बालों में इन्फेक्शन हो गया, बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं झड़ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है जीरा। इसलिए अब इस्तेमाल करूँगी इसमें, मैं बता देती हूँ आपको, ये है आंवला शिकाकाई का पाउडर। ये इसलिए इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मैं ये बालों के इन्फेक्शन के साथ साथ मैं डाई के लिए भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसलिए तो इसमें जो हर्ब मैं यूज़ कर रही हूँ वो इन्फेक्शन को दूर करेंगी, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगी, बालों को भारी करेंगे और साथ साथ बालों को बहुत अच्छा ब्लैक कलर देंगे। इसलिए तो उसके लिए इस्तेमाल करूँगी आंवला शिकाकाई, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बालों को कलर देने का काम करती हैं, बहुत इफेक्टिव होती हैं दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है आंवला में और शिकाकाई बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करने में काम आती है, साथ साथ बालों को बहुत अच्छा ब्लैक कलर देती है। इसलिए और इस्तेमाल करूंगी इसमें भृंगराज का पाउडर। भृंगराज तो सभी को पता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को काला करने के काम आता है, बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है, बहुत इफेक्टिव बहुत असरदार होता है। इसलिए और इसमें इस्तेमाल करूंगी मैं अनार के छिलके को सुखाकर मैंने पाउडर बनाया हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी वाला होता है। और बालों को ना जो अनार के छिलके होते हैं, आप उसको अगर डाई में यूज़ करते हैं ना, उसका कलर बहुत ही ब्लैक आता है और बालों के लिए बहुत ही इफेक्टिव बहुत असरदार होता है वो। इसलिए अगर आपके पास आप पाउडर नहीं बना सकते हैं तो आप साबुत अनार के छिलके भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए और इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं भ्रमणी। भ्रमणी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छी करेगी, बालों को इन्फेक्शन दूर करेगी, साथ साथ बालों को ना हैवी, जो बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं ना जिनके, उनके बाल बहुत हैवी करेगी। इसलिए मैं इस्तेमाल करूँगी इसमें भ्रमणी। और इस्तेमाल करूँगी इसमें मैं काला कत्था, उनको मैंने पहले से भिगा के रखा हुआ, इसका सीरम इस्तेमाल करूंगी इसमें मैं। तो ये मेरा लगभग छोटे वाली आधा कटोरी मैंने काला कत्था का जो सीरम है वो लिया हुआ है, वो मैंने पहले से भिगा के रखा हुआ है। इसलिए और इस्तेमाल करूंगी हिना में, ये नेचुरल ओपन हिना होती है, जो प्लेन हिना है वो है। इसलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कत्था को तो मैंने पहले ऑलरेडी भिगा के रखा हुआ है, तो उसका सीरम पहले से तैयार है। और अब हमें इन सब हर्ब को ना अच्छे से पानी में पकाना है, जिससे कि जो उसका सीरम है उसमें हम डाई का पेस्ट बना सके। इसलिए अब हमें लगभग एक गिलास पानी में इन सब हर्ब को पकाना है। शुरू करते हैं इसे बनाना। अब इसे पकाने के लिए मैं आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल करूंगी। अब ये मैंने पहले से गैस ऑन करके रखी हुई है, जिससे कि मेरी कढ़ाई गर्म हो जाए। इसमें मैं लूंगी आधा गिलास पानी। अब मैं ये छोटे बालों के लिए बता रही हूँ, तो आप अपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप पानी ज़्यादा पकाइएगा, तो इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी लिया है। और मैं गैस को तेज कर देती हूँ, जिससे कि पानी जल्दी से गर्म हो जाए और इसमें जो मेरी सब हर्ब है वो मैं डाल सकूँ। इतना मेरा पानी गर्म होता है, मैं हर्ब की क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। ये मैंने एक चम्मच अनार के छिलके लिए हैं और एक चम्मच ही मैंने जो भृंगराज का पाउडर है वो लिया है, एक चम्मच ही मैंने आंवला शिकाकाई का पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने जीरा लिया हुआ है, आधा चम्मच मैंने इसमें जो रतन जोश का पाउडर है वो लिया है, और आधा चम्मच ही मैंने इसमें कलौंजी ली है, और लगभग एक चम्मच के करीब ही मैंने इसमें जो भ्रमणी बूटी है वो ली है। अब इन सब चीज़ को मैंने आपको बता दिया कितनी कितनी क्वांटिटी में लेना है। एक गिलास पानी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग जितना आपको सीरम बनाना है, आपके बालों की लेंथ जितनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए अब ये मेरा पानी गर्म हो चुका है, इसमें मैं सब हर्ब डालूंगी। ये अब आप चाहें तो इस सीरम को बनाते टाइम आप इसमें जो गुड़हल के पत्ते होते हैं वो भी डाल सकते हैं, लहसुन प्याज के छिलके भी डाल सकते हैं। मैंने नॉर्मली बस थोड़ा हर्ब ली है, इसलिए क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हर्ब हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसमें जो हर्ब ली है आप उतनी हर्ब भी ले सकते हैं और अपने हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे गुड़हल के पत्ते बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो भी ले सकते हैं। अब इसे हमें अच्छे से पकाना है लगभग 5 से 7 मिनट तक, जब तक कि ये हर्ब जो है मैंने ली है वो सारी पक के नीचे ना बैठ जाए, इसलिए और सीरम ऊपर आ जाएगा, सारी हर्ब जो है वो अच्छे से कम गैस में पकाएंगे तो सब हर्ब नीचे बैठ जाएंगी और जितना सीरम है ना वो पूरा पकने के बाद ऊपर आ जाएगा। और मेरा ये एक गिलास पानी आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसलिए अब गैस को कम कर देते हैं और इसे कम से कम 5 मिनट हम इसे पकने देते हैं, जिससे कि अच्छे से इसका इफेक्ट आ जाए। अभी देखिए मेरा सीरम पक के ठंडा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस सीरम को हम स्टेनर करेंगे, जिससे कि हम इसकी डाई बना सकें। हम डाई में इसी सीरम का इस्तेमाल करेंगे, तो अब हम धीरे धीरे से सीरम को जो है स्टेनर कर लेते हैं।
बहुत ही जेट ब्लैक कलर आएगा इसका, बिल्कुल डाई का। बस इसे प्रॉपर तरीके से आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही बनाना है, क्योंकि मैंने इसमें जो हर्ब यूज़ किए ना वो बहुत इफेक्टिव है बालों के लिए इसलिए। और ये सीरम थोड़ा गाढ़ा भी बनेगा क्योंकि मैंने इसमें जो मिक्स हर्ब लिए हैं ये सब मैंने पाउडर फॉर्म में लिए हैं, तो आप जब मिक्स जो पाउडर फॉर्म में हर्ब लिए हैं आप उन्हें पकाएंगे ना तो वो थोड़ा उसका टेक्सचर जो होता है सीरम का वो गाढ़ा बन जाता है फिर इसलिए। अब अच्छे से प्रेस करके इसमें जितना सीरम है ना उससे पूरे सीरम को हम निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में आयरन की कढ़ाई में ही हम सीरम बनाएंगे क्योंकि आयरन की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है इसलिए। अब इसमें मैं लूँगी 2 चम्मच हिना और इसमें मैं जो मैंने ये पहले से जो वो कत्था है उसे भिगा के रखा हुआ है वो लगभग मेरा ये 2 चम्मच के करीब सीरम है वो डालूंगी मैं इसमें। और लेंथ के अकॉर्डिंग जितनी आपके बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें सीरम डालेंगे। मैं ये सीरम बहुत ही गाढ़ा बना है और बहुत ही जेट ब्लैक है इसका। मेन जो आप डाई बनाते हैं तो मेन उसमें क्या होता है, हिना तो आप कैसी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें जो मेन रोल होता है वो सीरम का या फिर जो उसमें हर्ब डाल रहे हैं उसका होता है इसलिए। तो आप जब भी कोई सीरम बनाए तो उसे ज़्यादा पतला ना बनाए, थोड़ा गाढ़ा ही क्वान्टिटी में बनाए इसलिए। अब इस पेस्ट को हम बहुत अच्छे से बना लेंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं उनके लिए ये बहुत ही असरदार डाई है क्योंकि इसमें जितनी भी हर्ब यूज़ किए हैं ना वो बालों को काला करने के काम आएगी इसलिए, साथ साथ बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी करेंगी। अब इस डाई को हमें क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से चारों तरफ अच्छे से फैला के रख देंगे जिससे कि इस डाई में पूरा जो आयरन है वो कढ़ाई से मिल जाए हमें। इसे अच्छे से फैला के रख देंगे और लगभग आप इसे बनाने के बाद इसे रात भर तो जरूर रखें जिससे कि ये और भी अच्छे से ब्लैक हो जाए। आप इसे बनाकर रात भर रखिएगा, उसके बाद आप जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा वाइट हैं इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर लगाएं। बहुत ज़्यादा वाइट बाल हैं जिनके वो 2 बार लगाएं और जिनके बाद नॉर्मली बहुत कम है या फिर उन्हें अपने बालों को ब्लैक टेक्स्चर देना है, ब्लैक कलर देना है, तो फिर वो इसे हफ्ते में 1 बार जरूर लगाएं। शाम इसके बाद आप जब सिर को वॉश करेंगे उसके बाद शैम्पू बिल्कुल ना लगाएं नहीं तो डाई का कलर बिल्कुल निकल जाएगा। जैसे जैसे आप डाई को लगाने के बाद सिर को वॉश करेंगे आपके बाल ड्राई होना शुरू होंगे ना, तो उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे बाल सूखते रहते हैं ऐसे ही डाई का कलर अपने बालों में नेचुरली आना शुरू हो जाता है इसलिए। तो आप इसे बनाइएगा, यूज़ कीजिएगा, कैसी लगी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।